मेरे साथ राजस्थान से एमपी हनुमान बेनीवाल जी हैं। सर, आज सीपी जोशी जी ने क्या ऐसा रिस्पांस दिया था जिसके कारण ये सारी चीज़ें? सीपी जोशी जी जो चित्तौड़ से आते हैं राजस्थान से, वो अपना जो शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरुआती वो वक्ता थे और उन्होंने अपनी बात कही, कुछ राजस्थान के इतिहास से जुड़ी उन्होंने बातें कही थी। मैं उस समय थोड़ा सा हाउस के अंदर, चूँकि जब वो बोल रहे थे हंगामा हो रहा था, तो पूरी बात नहीं सुन पाया वो क्या बोले। लेकिन जब एक दर्जन से ज़्यादा महिला सांसदों के साथ ए राजा उनकी सीट तक पहुंच गए, सीपी जोशी की सीट तक कितना दूर बेल को करते हुए, और भाई जनता पार्टी के जहाँ सांसद बैठते वहाँ तक पहुंच गए, तो मैं दौड़ के बीच बचाव करने में पहुंचा था और उन सबको समझा बुझा के और वापस बेल और उनको सीट, तब लोकसभा अध्यक्ष जी ने बाद में लोकसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया था। इस तरह अटैक के मूड में वो लोग आए थे, महिला सांसद थी, इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। लेकिन सीपी जोशी जी ने मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं पता मुझे क्या बोला। अच्छा। बाद में जो क्लेरिफिकेशन दे रहे थे तब वो बातें बता रहे थे पुरानी। लेकिन झगड़ा किस बात पर उसका मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि सीपी जोशी मेरे दोस्त हैं और जब उन पर अटैक करने इतने लोग आए तो मैं उनको उनका बचाव करने के लिए बीच में गया था।